दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है आप लोगों के लिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं और 12th पास हैं और डिप्लोमा कर रखा है तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आज हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग को एयरफोर्स में ज्वाइन होने का, और यहाँ पर मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी एयरफोर्स से रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, और पसंद आए ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडियन एयरफोर्स में वैकेंसी आई हुई है, बेसिकली कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। जी हां, अनमैरिड मेल कैंडिडेट ओनली यहां पे एलिजिबल हैं। जहां पे दोस्तों बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो यहां पे जो है अगर आप देखोगे तो 12th के, अगर आपने 12th साइंस से कर रखा है, जैसे कि आपके जो 12th है उसमें जो है PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है और 50% है, तो आप जो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन द ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 50% हैं, और ध्यान रखिएगा दोस्तों आपके जो डिप्लोमा है इंग्लिश भी होना चाहिए, या फिर मान लीजिए आपके जो 10th है उसमें जो है इंग्लिश होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ये सारी चीज़ें हैं तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं दोस्तों। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो 50% रिक्वायरमेंट है। 49.99% अगर आपके हैं तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। आपके जो मार्क्स होने चाहिए दोस्तों वो मोर देन 50% होना चाहिए। देन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है तीन स्टेट के लिए जो वैकेंसी आई है, ये जो आप PDF देख रहे हैं दोस्तों, ये इसमें जो है रैली होगी। तो उस रैली में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। ऐसे ही जिसी प्रकार और भी बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल, झारखंड मध्य प्रदेश और दिल्ली उत्तराखंड के कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा सबके लिए अलग अलग यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के लिए अलग आया हुआ है, झारखंड के लिए अलग आया हुआ है, मध्य प्रदेश के लिए अलग आया हुआ है, और दिल्ली और उत्तराखंड के लिए अलग आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा सबके लिए अलग अलग डिटेल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर मैं जो है अभी उत्तर प्रदेश का आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन, जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन है, जहाँ पे दोस्तों इस रैली में जो है एयरमैन के लिए सिलेक्शन सेंटर है, 3 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में जो है इसका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे अगर दोस्तों बात किया जाए कि यहाँ पे जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है वो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। बाकी अदर स्टेट के लिए मैंने बताया कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं अदर स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर दिखाया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर सैलरी वगैरह की दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो है आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों जो है आपको 14,600 जो है ट्रेनिंग के दौरान जो आपको मंथली यहाँ पे पैसे मिलेंगे, स्टाइपेंड मिलेंगे। देन दोस्तों जैसे ही आपका ट्रेनिंग जो है कम्प्लीट हो जाएगा तो आपको जो सैलरी हो जाएगा दोस्तों 33,000 पर मंथ जो है यहाँ पर रहेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको अदर फैसिलिटीज़ जो होती हैं इंडियन एयरफोर्स तरफ से वो आपको यहाँ पर मिलेगी। देन दोस्तों यहाँ पर अगर आप 12th और ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की क्वालिफिकेशन रखते हैं या फिर एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप बात की जाए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों, पहले जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपका जो है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे 6:30 में जो है 1.6 किलोमीटर जो है कंप्लीट करना होगा। देन दोस्तों यहाँ पे 10 पुशअप, 10 सीटअप, 10 स्क्वाट्स जो है आपको करना पड़ेगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। अगर आप दोस्तों इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में दोस्तों आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग भी रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों जैसा कि आप जिस स्टेट के अप्लाई करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में जो है कानपुर, इसी तरह मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड में जो है आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे होगा। देन दोस्तों ये सब करने के बाद आपको जो है एडबिलिटी यहाँ पे जो टेस्ट है उसमें आप अपियर होंगे। इसके बाद जो है इसमें दूसरा टेस्ट है, इस प्रकार जो है आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते रहेंगे दोस्तों वैसे वैसे जो है आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होता रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फाइनल जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसे जो है अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म या फिर फी नहीं लिया जा रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो लास्ट डेट रखी गई है और कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जो है वहाँ से डिटेल में इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। साथ ही साथ फॉर्म को आप इजिली फिलअप कर सकते हो। और यहाँ पर बात की जाए दोस्तों कि
क्या इंपॉर्टेंट डेट है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट है उसकी जो लास्ट डेट है अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है ये जो रैली होने वाली है दोस्तों आपका 10 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में होने वाली है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन जो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको डिटेल से पढ़ लीजिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। एक्स ईयरमैन के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज आ रखी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बताना है। एक बार डेट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या डेट दी गई हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 10 दिसंबर 2020 लेकर 13 दिसंबर 2020 के लिए ग्रुप एक्स के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट और एडेप्टबिलिटी टेस्ट 1 और 2 जो है यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे 15 से लेकर 18 दिन के लिए एक्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देन यहाँ पे 175 स्टूडेंट का पर सिलेक्शन यहाँ पे लिया जाएगा, मतलब ये सारे टेस्ट होंगे। तो अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों, आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो आप जो है ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही ज़्यादा इसमें स्कोप है दोस्तों। तो यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ नए इन्फॉर्मेशन। आज के लिए बस नए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।